हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास 2:26 हमर डेल है और यहाँ पे मैं मशीन को चला लेता हूँ। ये देखिए, ओके, तो यहाँ से ये मशीन चल तो रहा है, बिल्कुल सही से चल रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें हम हमारिंग टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर का जो कहना है कि इसमें हमारिंग नहीं हो रहा है, बट मशीन बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ से देखिए, मैं हमारिंग टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारिंग हो रहा है, ज़्यादा हमारिंग नहीं हो रहा है, बट मशीन चल रहा है सही से। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे रिपेयर करेंगे और इसको कहाँ पर खोलना है। सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें आगे वाला हेड गियर हाउसिंग का पोजिशन खोलेंगे, चार्टो स्क्रू खोलने के बाद हमको इसमें नोब खोलना है। नोब यहाँ से मैं खोल लेता हूँ और फिर हम इसका गियर हाउसिंग खोल लेंगे। तो अंदर में स्टाइकर है, तो यहाँ पे मैं इसका स्टाइकर खोल लेता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ से हमारा डैम्पिंग सेट चेक करना है जो टूल होल्डर के अंदर रहता है। डैम्पिंग सेट बिल्कुल सही है और यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो टूल होल्डर को खोल, जो रिचर्ड बोलते हैं उसको खोल के आपको डैम्पिंग सेट चेक करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग सेट। इसमें ओरिंग का प्रॉब्लम है, तो ओरिंग चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा मशीन, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मशीन भी चला सकते हो। ओके, तो ये ओरिंग, मेरे पास ये नया ओरिंग आया है, मैं ये नया ओरिंग लगा लूँगा। ये देखिए, ओके, तो यहाँ से स्ट्राइकर में सिर्फ एक ही ओरिंग लगता है और पिस्टन में भी ओरिंग नहीं लगता है इसमें, क्योंकि पिस्टन 26 mm में सिर्फ स्ट्राइकर में ओरिंग लगता है, तो स्ट्राइकर में हमको ओरिंग लगाना है। तो यहाँ से हमको ग्रीसिंग करना है, थोड़ा ग्रीस इसमें देना है हमको, थोड़ा ग्रीस इसमें आप दे सकते हो, फिर इसमें स्ट्राइकर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चारों तरफ गियर हाउसिंग में थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, ज़्यादा ग्रीस मत यूज कीजिएगा, अगर ज़्यादा ग्रीस यूज करोगे तो इसमें लीकेज का प्रॉब्लम आएगा आगे, या फिर पीछे से ये बाहर निकलने लगेगा, तो इसलिए आप नॉर्मल ग्रीसिंग कीजिए जितना मैंने किया। इसमें मैं स्पेशल हमार ग्रीस यूज करो, अगर आपको ये ग्रीस चाहिए मेरे वेबसाइट में चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी मशीन आपको रिपेयर करना है तो भी आप मेरे पास भेज सकते हो मशीन, साइड में एड्रेस भी आपको दिख रहा होगा, तो ये एड्रेस पे भी आप मुझे पार्सल कर सकते हो। पार्सल करने से पहले आप कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, सब यहाँ से आप जहाँ से भी हो इंडिया के हर एरिया से यहाँ पर पार्सल कर सकते हो मशीन। अगर मशीन ख़राब है तो आप रिफ़ंड नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूर मेरे पास भेजिए, बिल्कुल आपके शिपिंग कॉस्ट फ्री है, आप सिर्फ आने का खर्चा दोगी और यहाँ से जाने का खर्चा, मतलब यहाँ से मैं रिफ़ंड करके आपके पास दोबारा भेजूँगा, वो भी फ्री रहने वाला है, सिर्फ आपको आने का खर्चा देना है। जो आप मेरे पास भेजोगे उतना कॉस्ट आपको पड़ेगा और जितना स्पेयर पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको कोई भी सर्विसिंग चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज, आपका जो शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको स्पेयर का खर्चा देना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं नोब को लगा चुका हूँ, नोब कैसे लगाते हैं वो भी वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला होल ये बिल्कुल सही से हो गया है, दूसरा होल करेंगे तो दूसरा होल भी बिल्कुल सही से हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।